नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। विशाखापट्टनम में लोगों ने सैंड आर्ट के जरिए शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुलवामा आतंकी हमला यह 14 फरवरी को हुई ऐसी दुखद घटना है जो हर भारतीय के जहन में घर कर गई है। पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशाखापट्टनम में एक कलाकार ने सैंड आर्ट का सहारा लिया है। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे और इसके बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कलाकार ने अपने कला का प्रदर्शन कर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सैंड आर्ट का निर्माण किया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।